पहले कंटीन नहीं था, देखिए कंटीन बनके तैयार हो गया है जो इको पर्यटन पार्क में मौजूद है, ताकि लोगों को नाश्ता मिल सके। ये मंकी परेशान कर रहा है लोगों को। ये भूखा होगा इसलिए इधर उधर दौड़ रहा है। आप लोग जाओ नहीं यार, पहले कैमरा में तो काम हो जाए। देखते हैं बंदर क्या गुल खिला रहा है। चुपचाप बैठा हुआ है, या तो उसे भूख लगी है या तो भयभीत है, और इधर उधर देख रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। चलिए चलते हैं झूला की ओर। और बहुत ही सुंदर कैंटीन की व्यवस्था हो गई है, और यहाँ हमेशा लोग आते हैं घूमने। इको पर्यटन पार्क में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। और ये देखें खंभों में कुछ दिशा निर्देश लिखा हुआ है, कौन कौन सा यहाँ पोल वॉल्क, जिग जैग, मंकी कॉल और जीप लाइन, तमाम इस तरह का लिखा है। पोल वॉल्क, जीप लाइन, और ये देखें विशाल पेड़ से बंधा हुआ झूला, जिसके सहारे लोग झूलते हैं। एकदम फ्री सेवा, कोई इसका स्वभाव नहीं है। बता काहे देते हो कि सिंगरौलिया हो, औकात में रह के बात करो ना। और पार्क में आनंद लेते हुए बच्चे, और ये देखें बोट से जा ही रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। छोटा सा तालाब है इस पार्क के बीच में, जिसका आनंद लेते हैं सभी लोग। छोटे बड़े आते हैं घूमने, और परिवार के साथ, बच्चों के साथ। तो इस तरह का बहुत ही सुंदर स्वभाव है। तो आज हम देख रहे हैं इको पर्यटन पार्क, सिंगरौली माड़ा नामक स्थान पर है, और ये छोटा सा पार्क, और कैंटीन की व्यवस्था है। तो आप भी एक बार ज़रूर घूमने आए पूरे परिवार के साथ, और इस पार्क का आनंद लें। एक बार हम पूरा स्वरूप दिखाते हैं घुमाकर, पहाड़ पर्वत ऊपरी हिस्सों को दिखाते हैं, जो दूर दूर से पर्यावरण, पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई दे रहे हैं।